अभी भी इसी बात से गुस्सा है कि तेरी मेरी फ्रेंडशिप हो गई। मतलब अगर उन्हें हमारे साथ रहना इतना बुरा लग रहा है तो वो दोनों क्या कभी साथ नहीं आएंगे? आइया तो कि मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं। अगर वो हमने कर दिया ना तो वो दोनों पक्का मान जाएंगे कि हमारी दोस्ती टूट गई है। मतलब मतलब हमें एक और नाटक करना पड़ेगा। ना जी ना, और कोई नाटक नहीं, हमें और झूठ नहीं बोलना। I know, लेकिन अगर मोमो डाटा को मिलवाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। पता है एक बार मोम ने मुझे बताया था कि एक चीज होती है व्हाइट लाय, मतलब सफेद झूठ, मतलब ऐसा झूठ जिससे किसी का दिल ना दुखे, जो अच्छे के लिए बोला जाए। मेरी माँ ने भी मैंने बताया था, कृष्ण भगवान जी ने कहा है जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की भी आई होती ना, मैं समझती, मैं माफ कर देती शायद तुम्हें। पर कुल्फी कौन है ये बच्ची, क्या लगती है हमारी, क्यों है हमारे घर में वो? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है वो, अगर तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी थी उसे किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करवा देते, उसकी फीस भरते, या कोई अच्छा घर दिला देते, वहाँ उसे रखते, या फिर कोई अच्छी फैमिली में अडॉप्ट करवा देते। क्या किया तुमने, उसे हमारे घर ले आए और हम ही हमारे घर में पराए हो गए, मैं और मायरा इतने पराए हो गए कि घर से बाहर चले गए और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या बोल रही हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, ये बात पे यकीन करो। यकीन ही तो करना चाहती हूँ, मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ सिकंदर, इतना आसान नहीं है, मैं सच में तुम पर यकीन करना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताओ, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है, हमारी लाइफ में, लेकिन मेरी लाइफ में हमारा के बाद तुम आते हो सिकंदर, तुम्हारी लाइफ में हमारा के बाद मैं नहीं आती, और जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती जितने कि तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सिकंदर, हम कभी कुछ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए 30 दिन है तुम्हारे पास, I hope मुझे बता पाओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ मायने रखती हूँ, कि मैं भी तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ। कभी ना कभी तो चलना होगा ना सिकंदर। क्यों चलना होगा, मत करो ना जिद, तुमने जिद कर सकती हो क्योंकि प्यार करती हो तुमसे, जिद करने का पूरा हक है मुझे, है कि नहीं? मैं या कुल्फी, लेकिन आज मेरे अंदर की शैतान कुल्फी जाके और मैं लोग कौन ही रोक सकता। चुप चुप करने की तू जो कट 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 हो गया, छोड़ो कट हो गया, छोड़ो हो गया कट हो गया। बहुत बढ़िया नाटक किया जी, बहुत चंगा।
दादा हम नाटक नहीं कर रहे, हम रियल में फाइट कर रहे थे। हाँ। तो फिर बाल खींचने के 3 मिनट बाद ऊ कौन करता है रियल में? खुशबी तो कितनी ओवर एक्टिंग करती है। अब आप दोनों को नाटक करने की कोई लोड़ नहीं आएगी। मतलब हमारी कोशिश फेल हो गई? नहीं प्रिंसेस, आपके दादा ने और मैंने डिसाइड किया है, हम डिवोर्स अभी नहीं लेंगे। थैंक यू मामा, लव यू। वी लव यू। वी लव यू। मॉम, आप फाइट नहीं कर रहे तो क्या आप मेरी और कुल्फी की फ्रेंडशिप पे गुस्सा करोगे? मैं अगर आप खुश हो ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी भी आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मॉम से कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी नहीं। आई प्रॉमिस, मैं से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। गुड गर्ल। मैं तुम्हारे पास, तुम्हें चुनना होगा सिकंदर, मैं या कुल्फी। हमारा आप जैसे एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, वैसे ही आपके डैडा और मुझे इस शादी को एक और चांस देने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। मैं तैयार हूँ, पर ये शादी हम दोनों ने की है तो शादी को नया चांस हम दोनों को बराबर का देना होगा। अभी जी को लेकर आती होंगी ना? मैं बच्चे वो अभी नहीं आएंगी। फिर रात को आएंगी? अभी घर वापस नहीं आएंगे। क्यों? आप दोनों की लड़ाई लड़ाई तो माफ हो गई ना? भेजा क्यों नहीं ले आओ? भेजाने से तो वो दोनों आ जाएंगे ना? सिकंदर जी, मेरे जाने से वो आ जाएंगी ना? तुम्हें चुनना होगा सिकंदर, मैं या कुल्फी।